रही है कि क्यों आ रही वो है आवाज? अब आई है, पहले भी आ रही थी। नहीं बेटा, मुझे नहीं आ रही थी आपकी, अब सबने ठीक किया है, अब आप में मुझे आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, चलो मैम देखते एक बार मैं 6.6 निकलनी। नहीं अभी फिलहाल नहीं करनी, अब मैं एक बार फिर से शुरू कर रही हूँ। देखिए, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ओके, 0 इज द ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। मीन्स वाई डैश मीन्स नेगेटिव, एक्स डैश मीन्स नेगेटिव। यानी 0 से जब आप राइट साइड जाओगे, आपने पॉइंट की लोकेशन नंबर लाइन पर भी डिनोट कर रखी बेटा, आपने 8th में भी किया था और ये आपने 9th में भी किया था। ओके, ये वही चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी आपको 9th का रिकॉल करा रही हूँ। ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिए। यहाँ पे 0 से जब हम राइट साइड आएंगे तो इधर पॉइंट क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव, और 0 से जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। 0 से जब हम ऊपर जाएंगे मीन्स वाई एक्सिस पर जाएंगे तो पॉइंट हमारे पॉजिटिव होंगे, और 0 से जब हम नेगेटिव नीचे की तरफ आएंगे यानी साउथ की तरफ आएंगे तो हमारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? दिस इज द एप्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट पॉइंट, एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट पॉइंट। ये आपने इतना 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए, लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब मैंने सपोज मैं आपको ये बोलू 3 and 4, -3 -2, 1 and 1, अब दीज 2 points आप इसको इसमें सिचुएट कीजिए, यानी कि कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 0, 4 भी हो सकता है, 4, 0 भी हो सकता है, -4, 0 भी हो सकता है, कुछ भी पॉइंट है आप, कुछ भी पॉइंट है इसमें, ये आपको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने हैं, ठीक है। इनको आप सिचुएट करिए इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें भी आप इनकी लोकेशन बन रही है, तो आप कैसे करेंगे ये आपको सबको आता है, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब आपको ये भी मालूम है बेटा कि यहाँ पर जो मेरे पॉइंट होते हैं, जो यहाँ पर एप्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होते हैं, ये आपने लर्न किया हुआ है, और ये लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन होती है किसकी, कार्टेशियन प्लेन की, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज जैसे 3 and 4 है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर सिचुएट करना है, तो आप देखिए 3 कहाँ है, इधर देखिए सब, 1, 2, 3, यानी कि 3 यहाँ पर हो गया, मीन्स जो मेरा एक्सिसा है वो यहाँ पर लोकेट होगा। उसके बाद मेरा ऑर्डिनेट कितना है, 4, तो ऑर्डिनेट है तो मैं कहाँ जाऊंगी, वाई एक्सिस पे, ये 4 है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, दिस पॉइंट इज 3 and 4, ये मेरा सिचुएट हो गया, ठीक है। उसके बाद -3 and -2, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लोकेशन होती है एक्सिसा एंड ऑर्डिनेट की, वो आपकी प्लस प्लस होती है, क्यों होती है, उसका रीजन होता है। ओके, अब यहाँ पर -3 and -2 है, तो -3 देखिए कहाँ है, -1, -2 and -3, फिर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और कहाँ पे -2, यहाँ पे मेरा -2 है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या होगा, मेरा -3 and -2, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपको। yes, ma'am. तो ये चीजें आपको सबको ऑलरेडी आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 1, 1 है सपोज, अब 1, 1 में क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यानी मेरा एप्सिसा भी क्या है, 1, और मेरा ऑर्डिनेट भी क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगी, और यहाँ पे जो ये मेरा -1 है, ये यहाँ पे ये मेरा 1 है, यहाँ पर -1 मेरा नीचे है, तो ये पॉइंट दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मेरा 1, 1 हो जाएगा। तो ये होती है लोकेशन ऑफ द पॉइंट, ये होती है मेरी लोकेशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, आप पेज नंबर 155 पर देखो, देखिए इसमें दिखा है जो मैंने अभी आपको बताया है, सेकेंड लाइन से, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इज एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिसा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस, तो जो ये मेरे डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस होते हैं वो मेरा ऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस होते हैं वो मेरे एप्सिसा होता है, जिनको आप एक्स और वाई से डिनोट कर लेते हैं। ओके, ये आपको सबको मालूम है। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0, 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0, 0 होते हैं, ये आपको सबको मालूम है, लेकिन उसका रीजन होता है क्या, क्यों होते हैं वो 0, 0 क्यों होते हैं, ऐसे ही क्योंकि उस पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। हाँ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज 0,
नो लैंड नो ब्रेथ, वहां पे क्या होता है, एक पॉइंट सिचुएट होता है, देखिए बस एक पॉइंट सिचुएट होता है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती और जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, यहीं से हम अपना क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन बनाना शुरू करते हैं। आपने थर्ड लेसन में भी जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें भी आपने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने की जो सिचुएशन होती है वो इसी टाइप से होती है। चाहे आप कितने भी पॉइंट निकालिए, चाहे आप किसी भी इक्वेशन के कितने भी सॉल्यूशन निकालिए, आपका जो ग्राफ की लोकेशन होगी वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही रिगार्डिंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही रिलेटेड। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलो यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है आपकी? यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो एंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म जीरो एंड वाई। ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं? अब हम अपने टेंथ के ऊपर आते हैं जो आपने अभी पढ़ना है। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़े आगे चलिए। अब देखिए बेटा, जो टेंथ में आपको पढ़ना है, आपको टेंथ में करना है आपकी, इसमें तीन एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 एंड 7.3। यानी इस सेवन लेसन में आपकी है 7.1, 7.2 एंड 7.3। ठीक है, तो 7.1 में तो आपको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, 7.2 में पढ़ना है आपको सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और 7.3 में पढ़ना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया। इसमें जो आपकी 7.3 है, अभी जब मैं 7.3 कराऊंगी आपको तो उसमें मैं आपको मार्क करा दूंगी। वैसे आपके पास ऑलरेडी वो पहुंच चुका है, सिलेबस जो डिलीट हुआ था वो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं अभी कराऊंगी आपको 7.3 तो मैं क्वेश्चन सर भी मार्क करा दूंगी जो आपको नहीं करने, बट इसमें जो कोलिनियर पॉइंट के क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। अब 7.1 या 7.2 में से आपको कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये आपको पूरी पूरी करनी है। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फार्मूला समझिए, डिस्टेंस फार्मूले की किस टाइप से होता है डिस्टेंस फार्मूला, या इसको हम क्या कहते हैं। देखिए सपोज ये मैंने कोई भी कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे ये देखिए बेटा, सपोज यहां से यहां तक ये यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है जिसकी लेंथ है मेरी 1, जिसकी लेंथ मेरी 1 यूनिट है, और यहाँ से यहां तक भी कोई पॉइंट है सपोज जिसकी लेंथ भी मेरी 1 यूनिट है। ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। ठीक है, यहाँ पे मेरे दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये, मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज कोऑर्डिनेट, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स वन वाई वन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज एक्स टू वाई टू। अब एक बार ध्यान दीजिए बेटा, अभी जो आपने लोकेशन ऑफ द पॉइंट आपने रिवाइज किया था उसमें क्या किया था, सपोज जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई भी ये पॉइंट बना रही हूँ और मुझे यहाँ पर इस तरीके से मेरी ये फिगर आ गई, तो यहाँ से मैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है और 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, तो मेरा ये पॉइंट आएगा 3 एंड 4। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पर आ जाइए, सपोज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया और ये परपेंडिकुलर मेरा 4 को लाई कर रहा है, सपोज ये मेरा 4 को लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या करूंगी, मेरे यहाँ से यहाँ तक के, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है 4। अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस काउंट करूंगी तो ये मेरी 4 आ जाएगी, 4 यूनिट। यस मैम, बिकॉज माय एक्सिस इज 4। ओके, और मैं जब यहां से काउंट करूंगी बेटा, देखिए ध्यान से, जब मैं यहां से काउंट करूंगी तो ये मेरा 5 आ रहा है, सपोज यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी यहां से, ये देखिए ये यहाँ पे जो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है ये इस तरीके से, ये मेरे ये मेरा यहाँ से ये मेरा 4 होगा। अब यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस मैंने ये काउंट कर रही है, तो ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मेरी 1 है। ठीक है, और यहाँ से ये जो मैंने पूरा काउंट करा है इसकी भी डिस्टेंस मेरी कितनी है 5। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए, जब मैं डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रही हूँ
तो मुझे ये अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, मेरा 4 माइनस 1 आ जाएगा बेटा, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी बचेगी 3, ठीक है, क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस फार्मूला होता है यहाँ से ये मेरी यूनिट आ गई 1 और यहाँ तक मेरी 4 है, बट मुझे केवल ये चाहिए क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं ये इसमें से ये माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और देखो, यही मैं किसमें प्रोजेक्ट करूंगी, एक बार फिर से बता दीजिए, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ बेटा, यही मेरा यही प्रोसेस मैं किसमें करूंगी वाई एक्सिस में, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है अभी मैं बता रही हूँ बेटा, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो मेरा क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, अब ये आया कहाँ से, अब अपनी बुक खोलो, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया है, अब जरा आप अपनी बुक खोलिए, इसमें आप खोलिए पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 देखिए, इसमें 7.2 आर्टिकल डिस्टेंस फार्मूला जहाँ पे लिखा है उसमें देखिए 7.1 फिगर है, जहाँ पर 36 बना है बेटा उसमें वही दूरी आ गई जो मैंने अभी आपको बताई है, और यहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन में मीन जो ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ पे 15 है, तो ये जो मेरा 15 है ये मेरा कहाँ होगा, आप इधर देखो एक बार, देखिए यहाँ से 0 से सपोज मेरा यहाँ तक है 36, तो मेरा x एक्सिस यहाँ पर क्या होगा 36, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरी इतनी आ गई, और यहाँ से सपोज मेरी 15 आ रही है, ये डिस्टेंस मेरी 15 आ रही है, तो जो ये मेरी ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ मेरी कितनी होगी 15 होगी, और जो ये होगी बेटा ये वाली लेंथ मेरी कितनी होगी 16 होगी, तो जो मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगी, जो मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगी वो मैं कहाँ से कैसे लिखूंगी, वो मैं लिखूंगी 36 एंड 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये देखिए यहाँ पे ये दूरी मेरी 15 है, आपको ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से देखिए जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी 15, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब आप आगे पेज पलटिए जरा, पेज नंबर 158, पेज नंबर 158 खोलो, देखिए पेज नंबर 158 पर इसमें जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, इसमें देखिए बेटा जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रही हूँ तो इसमें मैं क्या लगा दूंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे ओ ए और बी करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपको कॉपी में करना नहीं है, इसका डेरिवेशन आपको कॉपी में नहीं करना बिल्कुल, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, डिस्टेंस फार्मूले में है क्या, हमारा आया कहाँ से, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आप यहाँ से 7.5 जो आपकी फिगर बनी हुई है ये आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा बेटा, और यहाँ पे बस इतना आप लिख लीजिएगा, देखिए इसमें लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू, ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन क्यू एस इज ड्रॉन टू मीट इट एट ए पॉइंट टी एंड ओ आर इज इक्वल टू एक्स वन, यहाँ से आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, ओ आर इज इक्वल टू एक्स वन, ओ एस इज इक्वल टू एक्स टू, जो मैंने यहाँ पे वन लेके आपको बताइए ना बेटा, ये और ये बताइए एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आर एस ले लीजिए, आर एस ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर एस देखो जो दूसरी वाली डिस्टेंस है, इसकी जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया इसकी आप एक बार रीडिंग लगाइए, तो आपके पास जो लेंथ है दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है ये दे दीजिए, ये जो दो पॉइंट के बीच की लेंथ है जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगी तो क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला लर्न करना है कि लेंथ ऑफ लेंथ बिटवीन इन टू पॉइंट ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस वाई वन, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज से, आप एक पॉइंट और है इसमें बेटा, 158 पे जहाँ पे ये डार्क ब्लैक लिखा हुआ है इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसमें लिख लीजिए लर्न पॉइंट, ये आपको लर्न करना है, इसका डेरिवेशन आपको लर्न नहीं करना है लेकिन आपको इसका डेरिवेशन समझ में आना चाहिए कि ये डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से है। उसके बाद नीचे देखिए रिमार्क में लिखा है बेटा, इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 इज गिवन बाय ओ पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इट मीन्स कि कहीं पर भी आपको ओरिजिन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, बिकॉज उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट इज 0 0 मीन्स ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। तो जब आप इसमें डायरेक्ट करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको लर्न कर लीजिए, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, और आप इस फार्मूले में जब आप रखोगे तो आपका ये अपने आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ओपी। और सेकेंड में दे रखा है ये तो आपका है ही पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज पे आइए 7.1। देखिए बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। देखिए पढ़िए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए जब तक मैं उतारती हूँ। आपको जो डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने में ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप x1 माइनस x2 मत कर देना। जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमारा क्या होगा, सपोज PQ में अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे कितने स्टार्ट करेंगे x2 माइनस x1, यानी होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y, ठीक है। x1 माइनस x2 मत करिएगा। अगर मैं PQ ले रही हूँ, सपोज मैं PQ ले रही हूँ तो मेरे P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, और मैं Q ले रही हूँ तो x कोऑर्डिनेट ऑफ x पॉइंट क्या होगा x2 y2, मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ओके। अब आप देखिए इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, इसमें से एक पार्ट आप मेरे से पूछ लीजिए, बाकी दो आप कर लीजिएगा। चलिए एक पार्ट आप मुझसे पूछो, बाकी आप कर लीजिएगा। हाँ बोलिए मैम। थर्ड बताते हैं, हाँ। इसमें आपके पास थर्ड ए बी एंड सेकेंड पॉइंट है आपके पास माइनस ए एंड माइनस बी। अब इसको लेट कर लीजिए बेटा, लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस पॉइंट। आपको डिस्टेंस से इसके डिस्टेंस निकालने दोनों पॉइंट के बीच की। तो अगर आप इधर देखिए, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही थी, अगर आपको ए बी लेना है बेटा, अगर ए बी लेना है तो मैं क्या लिखूंगी एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू बाई टू। और अगर मुझे बी ए लेना है, अगर मुझे बी ए लेना है तो दीज पॉइंट आर चेंज एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू बाई टू, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, सब में इसमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है आपको, और डिस्टेंस का यही एक फार्मूला होता है, ओके। अब आप करिए, देखिए पी क्यू है तो पी क्यू की जगह पे मैं क्या ले लूंगी ए बी, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन, आपने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई वन यहाँ लिखा है, अभी आप लेसन की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक कोऑर्डिनेट पर ये लिख दीजिएगा आप एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप चेंज करके डायरेक्ट करिएगा, उससे फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिएगा, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन आएंगे, ओके। अब क्या करना है मुझे, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है मेरा बोलो माइनस ए, एंड एक्स वन क्या है मेरा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू मीन माइनस बी एंड वाई वन माइनस बी होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब क्या आ जाएगा मेरा बेटा बोलिए माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, इज इट क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है ना। नो मैम, यहाँ पे बेटा फोर है तो मैं ये रूट के अंदर ही कैलकुलेशन कर लूँ, इसकी क्या होगा अगर मैं फोर बाहर निकालूंगी इसमें तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मेरा फोर है और मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा मेरा बोलिए, इधर क्या आएगा बोलो मैम टू, मैम टू, हाँ ये मेरा आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आएगा रूट में आएगा, ओके। चलिए फर्स्ट सेकेंड आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन आप रीड करो, इसमें क्या पूछा है आपसे सेकेंड क्वेश्चन में है बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36 एंड 15, 00 एंड 36 एंड 15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो इसको अभी आप हाफ करिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36 एंड
15। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको मार्क कराया था बेटा, उसमें क्या कराया था, ओरिजिन पॉइंट दे रखी है आपको, यानी कि पॉइंट है आपके पास 0, 0, 0, 0 and 36 and 15। आपके ये पॉइंट है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको ए ले लूंगी और यहाँ पर मैं बी ले लूंगी, तो x1 y1 x2 y2, तो जब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, x2 minus x1 करूंगी, तो ये तो मेरा जीरो है, मीन्स मुझे किससे स्क्वायर करना, बोलो, ओनली 36 का। और जब मैं y2 minus y1 करूंगी तो मैं इससे स्क्वायर करूंगी। इसलिए जहां पर ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होती है, तो वहां पे आप बेटे डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्या करोगे, x2 plus y2, एंड x2 plus y2 मीन्स x2 and y2। ओके, तो आप डायरेक्ट करिए कि 36 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करिए, आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। एक चीज और देखो, इसमें आपसे वो ये भी पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये आगे सेक्शन पॉइंट टू में, सेक्शन वाले में करेंगे, ठीक है। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आइए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 and -11 आर कोलिनियर। अब आप देखिए बेटा, कोलिनियर पॉइंट को कैसे करेंगे आप, कोलिनियर पॉइंट के लिए देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट सपोज ए इज इक्वल टू 1 and 5, B is equal to 2 and 3, and C is equal to -2 and -11. इसमें लिखा है R कोलिनियर। अब आप इससे कंसेप्ट समझिए, कोलिनियर पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट में करना क्या है आपको। देखिए कोलिनियर पॉइंट में ये आपसे वो ये पूछ रहा है, आपको ये चेक करना है कि दीज पॉइंट A, B, C आर सिचुएट इन अ वन लाइन, सिचुएट इन अ वन लाइन। तो आपकी इसमें क्या होगा, इसमें कोलिनियर पॉइंट का जब आप इसमें प्रूफ करोगे या आप इसमें से फाइंड आउट करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें सपोज ये पॉइंट है आपका, यहां से ये आना चाहिए ए बी सी, ठीक है ना, ये तो हुई कोलिनियर पॉइंट। ये कब होंगे आपके पास, जब इनके डिस्टेंस यहीं पर आ जानी चाहिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी करोगे तो वो ए सी के बराबर आनी चाहिए। इसका कंसेप्ट समझिए ध्यान से, ये जो मेरा एक कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर दूंगी तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, है ना। और अगर मैं बी सी प्लस ए बी करूंगी तो वो भी ए सी के बराबर आना चाहिए। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आप पहले डिस्टेंस निकालिए, इसमें आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालिए, यानी कि आपको करना है ए बी, फिर आप निकालेंगे बी सी, और फिर आप निकालेंगे सी, ठीक है, ए बी बी सी एंड सी ए। तो सपोज ए बी है, मैं ए बी निकालती हूँ, फिर आप बी सी और सी ए निकालिएगा। और अगर ये आपके पास बेटा, इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कंसेप्ट, अगर इसमें ये आपके पास आ रहा है तो वो कोलिनियर पॉइंट में होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट है। तो आप ए बी निकालिए पहले, चलिए ए बी निकालते हैं, ए बी में वही प्रोसीजर आपका, ए बी निकालने का, एक्स वन y1, x2, y2 निकालिए, x2 minus x1 यानी कि 2 minus 1 डायरेक्ट कर दो, समझ जाओगे आप, प्लस y2 minus y1 3 minus 5। तो ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 plus minus 2, ठीक है, minus 5 and 3 minus 2, 2 to the 4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, root 5। अब root 5 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, root 5 is a irrational number। ओके, ये मेरा ए बी आ गया, फिर आप बी सी निकालिए, बी सी, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट में जो मेरा बी सी है, बी सी के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वन वाई वन, और सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई टू। यहाँ तक क्लियर है आपका, जब आपके पास बी सी भी आ जाएगा, यहाँ से बी सी आप देखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस 11 एंड माइनस 3 कर दीजिए, माइनस फोर आप डायरेक्ट करिएगा, कितना आ जाएगा, 11 माइनस 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस माइनस, एंड प्लस प्लस, ये उसका जो पावर्स हम करते हैं उसमें, ये मैथ में जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं
ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। माइनस माइनस अगर हम मल्टीप्लाई माइनस माइनस की करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे 14 का होता है 196, ठीक है ना। ये आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अब आपको देखने से लग रहा होगा, आप रूट फाइव करेंगे प्लस जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो करेंगे और फिर आप सी ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू सेपरेट निकाल के और आप कोऑर्डिनेट पॉइंट का कंसेप्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर वो आपका इक्वल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द ग्रेटर साइड, अगर वो आपका इक्वल आ रहा है तो दीज आर सिचुएट इन कोऑर्डिनेट पॉइंट, अदरवाइज नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए मैं तब तक फिगर बनाती हूँ। नेक्स्ट में आपसे पूछा है बेटा, चेक वेदर 5 माइनस 2, चेक वेदर 5 माइनस 2 6 एंड 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कैसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा आइसोसेल्स ट्राइंगल, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये वेरीफाई करना है आपको, यानी कि 5 माइनस 2 6 एंड 4 की पॉइंट है आपका 7 एंड माइनस 2, आइसोसेल्स ट्राइंगल है कि नहीं है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए या ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाना चाहिए या बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाना चाहिए। इस ट्राइंगल में अगर आप आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, टू साइड्स आर इक्वल, देन द टू साइड्स आर इक्वल इन दीज पॉइंट, सो यू कैन से द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी कि आपको वेरीफाई करना है इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको आप एज्यूम कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 2, तो आप निकालेंगे पहले ए बी, ठीक है, ए बी निकालने का सेम प्रोसेस, आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन डायरेक्ट कर दो एक, अब आप समझ जाएंगे, माइनस 5 एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। आप अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लिखना है, ठीक है ना, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप इसका बाद में रिविजन कर रहे होंगे तो आपको तुरंत लग जाएगा, फिर आपको एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बार बार लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। इसमें क्या आ जाएगा देखिए, 1, ठीक है, ऐसे बोलो 6 6 36, तो ये आ जाएगा आपका रूट 37, रूट 37 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज इरेशनल नंबर, तो ये रूट 37 ही रहेगा। यस मैम, ए भी आ गया, अब आप क्या निकाल लीजिए, ए सी निकाल लो चाहे बी सी निकाल लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी सी ले लीजिए, जैसे मैंने ए भी निकाला है ऐसे आप बी सी निकालिए, फिर आपको सी ए भी निकालनी है, फिर आप सी ए निकालिए और इन तीनों में से क्या होगा बेटा, या तो रूट 37 बी सी ए सी में से एक साइड आ रही होगी, है ना, और अगर इसमें से नहीं आ रही होगी, कोई भी साइड नहीं आ रही होगी एक दूसरे के, दीज पॉइंट्स आर नॉट इन वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, और अगर सपोज आपकी आपको ये तीन पॉइंट गिवन है और रूट 37 रूट 37 है रूट 37 तीनों पॉइंट में आ रहा है, दीज वर्टिसेस आर गिवन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, आप जो ये डिस्टेंस निकाले बेटे ये साइड ही तो है, ए बी बी सी एंड ए सी, ये आप साइड ही तो फाइंड आउट कर रहे हो, जो डिस्टेंस भी आप निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच की, ये आपकी साइड आ रही है, तो अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी सपोज आ रहा है, मीन्स जैसे आपको मैंने एक